जनपद मुरादाबाद के सिविलाइन थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का एक मामला सामने आया है, जहां पर बाइक को हल्की चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते आरोप है कि दूसरे पक्ष के पड़ोस में रहने वाले दो लोगों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति रामबाबू निवासी आदर्श कॉलोनी के साथ जमकर मारपीट की। इस संबंध में सिविलाइन पुलिस को लिखित में एक शिकायत भी दी गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए घायल रामबाबू के पुत्र आकाश ने बताया कि उनके पिता रामबाबू अपनी पोती के साथ घर के बाहर टहल रहे थे, तभी अचानक से बाइक पर सवार अनिकेत उर्फ मंत्री व रिंकू बाइक तेज लेकर आ गया। रामबाबू ने बाइक हल्की चलाने को कहा तो इस पर विवाद खड़ा कर लिया। विवाद के चलते अनिकेत उर्फ मंत्री पर रिंकू व रौनिक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रामबाबू के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि ईंट से वार कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें सिविलाइन थाने ले जाया गया, जहां से पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद लिखित में एक शिकायत लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना ये हुई थी कि मेरे पिताजी मेरी बेटी को, छोटी बेटी है मेरी, उसको गोद में खिला रहे थे। अचानक से हमारे पड़ोस के दो तीन लड़के आए और तेज मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे। बस हमारे पिताजी ने कहा कि गाड़ी हल्की चला लो, उसी बात पे घास होनी थी। उन्होंने जो है ना ईटा उठा के उनके मुँह पे मार दिया। एक था रौनित पुत्र रवि और मंत्री पुत्र सूरज और क्या कहते अभिषेक अनिकेत पुत्र सूरज और सचिन सूरज रिंकू सूरज। अच्छा, थाने पे गए थे आप लोग? हम लोग थाने में गए थे, तो थाने से जो है हम मेडिकल के लिए भेजा हुआ है। हम जिला अस्पताल चिकित्सालय में आए हुए हैं। हम इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो हालत है देखते हुए बिल्कुल जान से मारने के इरादे से उन्होंने चौका मारा है।